नथिंग फोन 1 को परचेस करने के बाद मुझे रेगुलरली बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं इसका कैमरा कंपैरिजन करिए आईफोन 13 के साथ। अब वैसे तो आपको इन दोनों फोन्स के प्राइसिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल जाता है, बट स्टिल यहाँ पे जब मैंने नथिंग फोन 1 की कैमरा टेस्टिंग करी, इसको मैंने कंपेयर करा आईफोन 13 के साथ, तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स थे काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थे। सो आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ इन डेप्थ डिटेल कैमरा कंपैरिजन आईफोन 13 एंड नथिंग फोन 1 के बीच। यहाँ पे हम सभी चीजों को अच्छी तरीके से कंपेयर करेंगे, भले हम बात करें डेलाइट शॉट्स की, अल्ट्रा वाइड सैंपल्स की, स्लो मोशन वीडियो, वीडियोस की जो क्वालिटी है उसमें कितना डिफरेंस रहेगा, नाइट टाइम फोटोज। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वही हम बात करें स्पेसिफिकेशंस की, सो आईफोन 13 में आपको बैक में डुअल 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, एक प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड लेंस, एंड फ्रंट में भी आप 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। आप तीनों लेंसेज से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हो। वही नथिंग फोन 1 में आपको बैक में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। दोनों लेंसेज से आप 4K 30 एंड 1080p 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जिसमें वीडियो लिमिटेड है 1080p 30 FPS तक। सो स्टिल यहाँ पे हम देखते हैं जितना यहाँ पे प्राइसिंग में डिफरेंस होता है कैमरा की परफॉर्मेंस में डिफरेंस है या फिर नहीं। एंड एज यहाँ पे नथिंग फोन 1 की बहुत ज्यादा हाइप बन गई थी, एंड आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपके नथिंग फोन 1 के रिगार्डिंग जितने भी कैमरा के डाउट्स हैं सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइफ, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी लेंस से लिए गए डेलाइट शॉट्स की। सो नथिंग फोन 1 में आपको यहाँ पे जो सैचुरेशन मिलता है स्लाइटली हायर साइड पे मिलता है, मतलब कि कलर ज्यादा शो करता है। आईफोन के फोटोज यहाँ पे ट्रू टू लाइफ आते हैं, एंड वहीं आप लोग देख सकते हैं आईफोन 13 के फोटो में ज्यादा डिटेल्स भी हैं एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1। स्टिल यहाँ पे मुझे नथिंग फोन 1 की एक चीज अच्छी लगी कि यहाँ पे जो कलर्स को ज्यादा बूस्ट नहीं करता और स्मार्टफोन्स की तरह। सो प्राइमरी लेंस से लिए गए फोटोज डेलाइट में बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे कलर शो करते हैं। अब एज आपको नथिंग फोन 1 में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, एंड पिक्सल बिनिंग करके 12 मेगापिक्सल के फोटोज को शूट करता है। सो अगर यहाँ पे हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं 12 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल का फोटो, तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पे 50 मेगापिक्सल वाले फोटो में ज्यादा शार्पनेस है, ज्यादा डिटेल्स है, बट यहाँ पे ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। एंड इन फोटोज को डेफिनेटली ज्यादा स्पेस भी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें डायनेमिक रेंज की, तो नथिंग फोन 1 की जो प्राइमरी लेंस है उसकी डायनेमिक रेंज काफी ज्यादा अच्छी है। स्टिल इस वाले फोटो में यहाँ पे क्लाउड की डिटेल्स में डिफरेंस है, आईफोन में यहाँ पे जो डिटेल्स हैं ज्यादा अच्छी तरीके से रिटेन हुई है। एंड उसी के साथ नथिंग फोन 1 का प्राइमरी लेंस ज्यादा एरिया भी कैप्चर करता है एज कम्पेयर टू आईफोन 13 का जो प्राइमरी लेंस है। वहीं अगर हम बात करें ह्यूमन सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे जो स्किन टोन्स हैं काफी हद तक नेचुरल आती हैं। अब डेफिनेटली आपको यहाँ पे आईफोन्स की जो स्किन टोन्स हैं बिल्कुल ट्रू टू लाइफ मिलती हैं, बट स्टिल यहाँ पे जो नथिंग फोन 1 की स्किन टोन्स हैं अच्छी हैं। वहीं अगर हम बात करें कलर्स की, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो यहाँ पे आईफोन में मेरे शर्ट का कलर शो हो रहा है वही एक्चुअल में था। नथिंग फोन 1 में यहाँ पे जो कलर है ज्यादा बूस्ट हो गया है, स्टिल हो सकता है कुछ लोगों की चीज पसंद आए। वहीं आपको एक और डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो है फेस पे एक्सपोजर। आईफोन यहाँ पे फेस पे एक्सपोजर अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेता है, मैनेज कर लेता है हर बारी। वहीं नथिंग फोन 1 में यहाँ पे स्लाइटली कभी कभार इशू हो जाता है एक्सपोजर का। अब ऐसा चीज कोई मेजर इशू नहीं है, बट स्टिल आप देख सकते हैं मेरे फेस पे एंड बॉडी पे थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है एज कम्पेयर टू आईफोन 13। एंड वहीं अगर बात करें डिटेल्स की, तो वो भी नथिंग फोन 1 बहुत ज्यादा अच्छी कैप्चर कर लेता है। अब मैंने एक चीज नोटिस करी है, डिटेल्स कैप्चर करने में कई बार जो कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि किसी किसी सिचुएशन में डिटेल्स अच्छी कैप्चर होती हैं बट कई बार नहीं हो पाती हैं, मतलब कि थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में। बट स्टिल ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे जो डिटेल्स मिलेंगी क्लोज टू आईफोन मिलेंगी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। स्टिल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर मैसअप हो गया है नथिंग फोन 1 में। सो ह्यूमन सब्जेक्ट्स के फोटोज में यहाँ पे जो डिटेल्स हैं बहुत ज्यादा अच्छी आती है, बट कई बार इशू यहाँ पे हो जाता है एक्सपोजर का, स्किन टोन्स का, क्योंकि समटाइम्स यहाँ पे ज्यादा वार्म टोन को शो कर देता है, एंड कई बार ऐसा हो जाता है फेस पे थोड़ा सा पिंकिश टोन ऐड कर देता है। बाकी इसके अलावा मुझे नथिंग फोन 1 का प्राइमरी लेंस सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पे जो कलर्स है ज्यादातर टाइम काफी ज्यादा नेचुरल कैप्चर करता है, एंड फोटोज में यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो भी अच्छी खासी आ जाती है। एंड वहीं अगर हम बात करें डिफिकल्ट सिचुएशंस की, तो उसमें भी यहाँ पे जो HDR परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा अच्छी है, हाइलाइट्स एंड शेडोज को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। वहीं आईफोन में आपको स्लाइटली थोड़े से ज्यादा कॉन्ट्रास्टी फोटोज देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1। स्टिल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है दोनों फोन्स के फोटोज में, बट यहाँ पे डेफिनेटली डिफिकल्ट सिचुएशंस में आईफोन का कैमरा ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है, एंड जो कलर्स है डायनेमिक रेंज है उसको अच्छी तरीके से रिटेन कर लेता है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं बहुत ज्यादा माइन्यूट है, प्राइस के हिसाब से इनको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे नथिंग फोन 1 आता है बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। वहीं अगर हम बात करें जूमिंग की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल फोटो है,
एंड ये है 2x फोटो। सो यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन में आपको ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलती हैं 2x जूम पे। उसी के साथ मैंने एक और चीज नोटिस करी है, नथिंग फोन 1 में कई बार जो एक्सपोजर है ज्यादा हो जाता है 2x में, आप देख सकते हैं। 1x में ऐसा कोई भी इशू नहीं है, बट 2x करने के बाद यहाँ पे हल्का सा ज्यादा ओवर एक्सपोज हो गया फोटो। सो ये छोटी मोटी चीज है, मेरे हिसाब से अपडेट के थ्रू फिक्स हो सकती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वही अगर हम बात करें क्लोजअप शॉट्स की, तो यहाँ पे भी आपको डिटेल्स अच्छी मिलेंगी। आईफोन में आपको स्लाइटली ज्यादा डिटेल्स मिलती है फोटोज में, बट स्टिल यहाँ पे जो डिफरेंसेस है ज्यादा ह्यूज नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कलर्स में डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, जो यहाँ पे एक्चुअल कलर है वो आईफोन ने कैप्चर करा है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया नथिंग फोन 1 में। वहीं आपको नथिंग फोन 1 में डेडिकेटेड मैक्रो मोड मिलता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोजअप शॉट्स कैप्चर कर सकते हो। अब मैंने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे डिटेल्स काफी ज्यादा अच्छी आ जाती है, अच्छी डिटेल्स को कैप्चर कर लेता है, बट यहाँ पे जो कलर्स है काफी ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं कई बार। एंड फोटोज में कई बार यहाँ पे अलग से कुछ टिंट ऐड कर देता है, कलर्स में ज्यादा वार्म हो जाते हैं। बाकी डिटेल से मुझे ऐसा कोई भी कंप्लेंट नहीं है, नेचुरल डिटेल शो करता है, ओवर शार्पनिंग नहीं करता है कुछ स्मार्टफोन्स की तरह। सो ये वाली वीडियो मैंने शूट करी है दोनों फोन से 4K 30 FPS पे, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सिमिलैरिटी लग रही होगी कलर्स में, तो ये चीज बिल्कुल ट्रू है। वीडियोस में कलर्स ज्यादा शो नहीं करता है, मतलब कि कलर्स को ज्यादा बूस्ट नहीं करता है, काफी हद तक कलर्स को नेचुरल लगता है, आप देख सकते हैं। स्काई का कलर यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया, बट स्टिल ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एंड वही अगर हम बात करें डिटेल्स की, तो आईफोन की वीडियो में ज्यादा डिटेल्स हैं, ज्यादा शार्पनेस है। उसी के साथ यहाँ पे एक्सपोजर कंट्रोल में भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। सो गाइस अभी मैं शूट कर रहा हूँ दोनों फोन से 4K 30 FPS वीडियो, क्योंकि नथिंग फोन 1 यहाँ पे 4K 30 FPS वीडियो ही शूट कर सकता है मैक्सिमम, एंड में जो आईफोन 13 है वो शूट कर सकता है 4K 60 FPS। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का डायनेमिक रेंज कंट्रोल है, एक्सपोजर कंट्रोल है, यहाँ पे हाइलाइट्स एंड शेडोज किस तरीके से मैनेज हो रही हैं। आई थिंक यहाँ पे जो आपको नथिंग फोन 1 में कंट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है वीडियो में, वहीं जो हाइलाइट्स हैं वो अच्छी तरीके से विजिबल आईफोन 13 में। तो अभी मैं थोड़ा रनिंग करके देखता हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो क्वालिटी में कितना डिफरेंस लग रहा है, वीडियो क्वालिटी किसकी ज्यादा बेटर लग रही है। ये वाली वीडियो मैंने शूट करी है दोनों फोन से 1080p 60 fps पे, सो आप इस वाली वीडियो में भी देख सकते हैं 4K 30 fps वीडियो की तरह ही, जो एक्सपोजर कंट्रोल आईफोन का बहुत ज्यादा सीमलेस है, काफी ज्यादा स्मूथ है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 1। एंड वहीं अगर हम बात करें डिटेल्स की, तो इस वाली वीडियो में आपको स्लाइटली ओवर शार्पनिंग देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू 4K 30 fps वीडियो। सो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पॉइंट्स में आईफोन की वीडियो को बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लाइक ऑटो फोकस, एक्सपोजर कंट्रोल, डायनामिक रेंज। स्टिल यहाँ पे नथिंग फोन 1 की जो वीडियो है काफी ज्यादा अच्छी है प्राइस को कंसिडर करते हुए। एंड वहीं अगर हम बात करें स्टेबलाइजेशन की, तो नथिंग फोन 1 में आपको यहाँ पे OIS देखने को मिलता है, वहीं आईफोन में OIS प्लस डिजिटल स्टेबलाइजेशन काम करता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो वीडियो है बहुत ज्यादा स्मूथ है। स्टिल यहाँ पे मुझे नथिंग फोन 1 के जो कलर्स हैं बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं, वीडियोस में एकदम नेचुरल कलर शो करता है आईफोन की तरह ही। एंड स्टेबलाइजेशन के अलावा यहाँ पे ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है कंसिडरिंग द प्राइस। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें अल्ट्रा वाइड फोटोज की, तो यहाँ पे आपको कलर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नथिंग फोन 1 का प्राइमरी लेंस है उसमें आपको जो कलर्स हैं आईफोन के प्राइमरी लेंस से ज्यादा मिलते हैं, वहीं जो अल्ट्रा वाइड लेंस है उसमें कलर्स काफी ज्यादा कम शो होते हैं, आप देख सकते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा डल फोटोज लगते हैं। वहीं अगर बात करें डिटेल्स की, तो डिटेल्स में ऐसा कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, तो आप जब भी प्राइमरी लेंस से अल्ट्रा वाइड लेंस पे शिफ्ट करोगे आपको यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस फील होगा। अब मेरे हिसाब से ये चीज सॉफ्टवेयर अपडेट में फिक्स करी जा सकती है, क्योंकि कैमरा में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि फोटोज में डिटेल्स एंड शार्पनेस बहुत ज्यादा अच्छी आती है। सो मेरे हिसाब से इनको कलर्स एंड डायनेमिक रेंज को थोड़ा सा फिक्स कर देना चाहिए सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। सो गाइस अभी मैं शूट कर रहा हूँ दोनों फोन के अल्ट्रा वाइड लेंस से 4K 30 fps वीडियो, एंड नथिंग फोन 1 यहाँ पे 1080p 60 fps पे भी वीडियो शूट कर सकता है अल्ट्रा वाइड लेंस से। वहीं आप आईफोन 13 में 4K 60 तक जा सकते हो अल्ट्रा वाइड लेंस में, वहीं प्राइमरी लेंस दोनों ही लेंसेज में। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है क्वालिटी में। आप लोग यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पे कितना डिफरेंस मिल रहा है स्टेबलाइजेशन में। तो आई थिंक यहाँ पे जो नथिंग फोन 1 है उसकी जो वीडियोस है काफी ज्यादा अच्छी हैं, काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं कंसीडर द प्राइस। जहाँ पे वीडियोस में डिटेल्स है काफी ज्यादा अच्छी कैप्चर कर लेता है, वहीं जो कलर्स हैं मुझे स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छे लगे नथिंग फोन 1 के, क्योंकि ये ट्रू टू लाइफ कलर शो कर देता है जस्ट लाइक आईफोन, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी बात है इस बजट के हिसाब से। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना आपको नथिंग फोन 1 की वीडियोस कैसी लग रही हैं, मैं यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस से सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ।
अब ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड लेंस से 1080p 60fps, क्योंकि आप मुझे डेफिनेटली थोड़ा बहुत क्वालिटी में डिफरेंस मिल रहा है, क्योंकि 4K के कंपैरिजन में नथिंग में थोड़ी सी क्वालिटी डिग्रेड हुई है। और जो आईफोन की कंसिस्टेंसी है वो आपको पता ही, वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आपको एक्सपोजर कंट्रोल में थोड़ा सा इस तरीके से बार बार टैप करना पड़ेगा, और जो आईफोन है सीमलेसली खुद ही यहाँ पे एक्सपोजर को कंट्रोल कर लेता है। सो यहाँ पे जितना डिफरेंस प्राइमरी लेंस की वीडियोस में था उससे ज़्यादा डिफरेंस आपको अल्ट्रा वाइड लेंस की वीडियोस में मिलेगा। कलर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कम है, एज यहाँ पे आपको फोटोज़ में भी कम कलर्स मिलते हैं, उसी तरह वीडियोस में भी यही इशू है। एज मैंने आप लोगों को बताया, जो उसका अल्ट्रा वाइड लेंस है उसके जो HDR परफॉर्मेंस है, डायनेमिक रेंज है, प्राइमरी लेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा वीक है। इस वजह से आपको यहाँ पे जो वीडियो की क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। अब नथिंग फोन वन में आपको सुपर स्टेडी वीडियोज़ को शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट वो वीडियोस लिमिटेड हो जाती हैं 1080p तक। वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा रेजोल्यूशन से या फिर फ्रेम रेट से। वहीं अगर आप बात करें सेल्फी कैमरा की, तो अगेन यहाँ पे मुझे नथिंग फोन वन का जो सेल्फी कैमरा है डिसेंट लगा है, एवरेज लगा है। वहीं नथिंग फोन वन में फेस पे एंड मेरी शर्ट पे जो एक्सपोजर अच्छी तरीके से मैनेज नहीं हो पाया, फोटो ज्यादा ओवर एक्सपोज हो गई है। सो यहाँ पे डेफिनेटली सेल्फी कैमरा की जो HDR परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा वीक लगी है मुझे एज कम्पेयर टू प्राइमरी लेंस। भले अगर हम बात करें नॉर्मल फोटोज की या फिर पोर्ट्रेट फोटोज की, तो किसी किसी सिचुएशन में यहाँ पे फोटोज अच्छे कैप्चर हो जाते हैं, डिसेंट फोटोज आ जाते हैं, बट वहीं अगर हम बात करें डिफिकल्ट सिचुएशंस की, तो वहाँ पे सेल्फी कैमरा थोड़ा स्ट्रगल करता है इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, HDR परफॉर्मेंस, एंड जो स्किन टोन्स है वो भी इतनी ज़्यादा नेचुरल साइड पे नहीं है एज कम्पेयर टू आईफोन। सो गाइस अभी मैं शूट कर रहा हूँ दोनों फोन से 1080p 30fps वीडियो, क्योंकि नथिंग फोन वन 1080p 30fps वीडियो ही शूट कर सकता है मैक्सिमम, वहीं जो आईफोन 13 ही शूट कर सकता है 4K 60 तक। स्टिल यहाँ पे मुझे डायनामिक रेंज है जो आईफोन की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है फ्रंट फेसिंग कैमरा में। आप देख सकते हैं जो स्किन टोन्स हैं वो भी आईफोन्स के ज़्यादा नेचुरल हैं। सो नथिंग फोन वन में आपको यहाँ पे बार बार इस तरीके से टैप करना पड़ेगा एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए बैकग्राउंड में, जो आईफोन है वो अच्छे तरीके से कर लेता है ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस चीज़ में डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। वही ओवरऑल जो वीडियो की क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है नथिंग फोन वन की, ऐसा यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई क्वालिटी का इशू नहीं है। सो यहाँ पे डेफिनेटली सेल्फी वीडियो में डिफरेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है अगर इसको हम कंपेयर करते हैं प्राइमरी लेंस से देन अल्ट्रा वाइड लेंस से। अब मुझे इसके सेल्फी कैमरा की ओवरऑल क्वालिटी डिसेंट लगी है, बट सबसे ज्यादा बड़ा इशू आता है एक्सपोजर कंट्रोल का, या एक्सपोजर अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है भले अगर हम बात करें फोटोज की या फिर वीडियोज की। अब ये दोनों फोन 1080p स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकते हैं 240fps पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर्स हैं आईफोन में ज्यादा नेचुरल हैं, वहीं नथिंग फोन वन में हल्का सा एक ऑरेंज टिंट ऐड हो गया वीडियो में। एंड वहीं एक और चीज़ क्लियरली नोटिसेबल है वो है डिटेल्स, आईफोन में यहाँ पे जो डिटेल्स हैं बहुत ज़्यादा रिटेन हुई हैं, वहीं नथिंग फोन वन की वीडियो में डिटेल्स बहुत ज़्यादा लूज हो गई हैं। स्टिल यहाँ पे जो वीडियो की स्मूथनेस है नथिंग फोन वन में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उस चीज़ में यहाँ पे कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट डिटेल्स में अच्छा खासा डिफरेंस है। वही जो कलर्स है आईफोन की वीडियो में ज्यादा ट्रू टू लाइफ है, ज्यादा नेचुरल है, सो आपको इतना डिफरेंस देखने को मिलता है इनके स्लो मोशन वीडियोस में। अब वहीं इसके बाद हम बात करते हैं नाइट टाइम फोटोज की, मतलब कि आपको दोनों फोन्स में यहाँ पे नाइट टाइम फोटोग्राफी में कितना डिफरेंस मिलेगा। सो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ, जो आईफोन है उसमें आपको एपर्चर मिलता है f1.6 का, वही नथिंग फोन वन में f1.9 का, जिसकी वजह से आईफोन 2 या 3 सेकंड में फोटोज को कैप्चर कर लेता है डिफॉल्ट मोड पे। वही नथिंग फोन वन फोटोज को कैप्चर करने के लिए हर बारी 4 या 5 सेकंड का टाइम लेता है। ये वाला पोर्ट्रेट फोटो मैंने कैप्चर करा है लो लाइट सिचुएशन में दोनों फोन से, तो यहाँ पे जो कलर्स हैं बहुत ज्यादा अच्छे आए दोनों फोन्स के, बट अगर हम बात करें डिटेल्स की तो आईफोन में आप देख सकते हैं ज्यादा डिटेल्स हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन का कैमरा कम टाइम लेता है फोटोज को कैप्चर करने के लिए 2 या 3 सेकंड का टाइम, उसके बाद भी यहाँ पे जो फोटोज है ज्यादा ब्राइट आते हैं, जो कलर्स हैं काफी ज्यादा अच्छे शो होते हैं। स्टिल नथिंग फोन वन यहाँ पे जो डिटेल्स हैं अच्छी रिटेन कर लेता है। ये वाला फोटो कैप्चर करा गया दोनों फोन्स की फ्लैश से, सो डेफिनेटली यहाँ पे जो आईफोन की फ्लैश है काफी ज्यादा तेज है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन वन। सो अगर आप लोग फ्लैश में फोटोज को कैप्चर करने वाले हो तो आपको इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों फोन्स के फोटोज में। अब इस वाले फोटो में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है, क्योंकि जो मून की डायरेक्शन थी मेरे फेस के सामने थी, एंड आईफोन ने इस वाले फोटो को कैप्चर करा है 3 सेकंड्स में, वही नथिंग फोन वन ने कैप्चर करा है 5 सेकंड्स में। एंड वही अगर हम बात करें इस वाले फोटो की, तो यहाँ पे जो कलर्स हैं आईफोन में ज्यादा ट्रू टू लाइफ आए हैं, बट एस सच इस वाले फोटो में यहाँ पे एक्सपोजर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड ये वाला फोटो है दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड लेंस के नाइट मोड से, तो डेफिनेटली आपको प्राइमरी लेंस जितनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है दोनों फोन्स में। आईफोन्स में कलर ज्यादा अच्छे आए हैं, ज्यादा नेचुरल आए हैं, एंड नॉइस काफी ज्यादा कम आई है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन वन, बट जो डिटेल्स है मुझे नथिंग फोन वन में ज्यादा अच्छी लगी है एज कम्पेयर टू आईफोन। ये वाला फोटो है अगेन दोनों फोन्स के डिफॉल्ट नाइट मोड से, एंड इसी सिचुएशन में यहाँ पे मैंने फ्लैश टर्न ऑन करी, तो आप देख सकते हैं जो आईफोन के कलर्स हैं ज्यादा अच्छे आए हैं। एंड अगेन ये वाला फोटो भी कैप्चर करा गया है फ्लैश में, सो आईफोन का वाइट बैलेंस ट्रू टू लाइफ है। बट वहीं अगर हम बात करें ऐसी सिचुएशन की जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट अवेलेबल है, एक्सट्रीम डार्क नहीं है,
तो उस सिनेरियो में यहाँ पे नथिंग फोन वन का कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, आप लोग देख सकते हैं। इन सिचुएशंस में यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा है, जो कलर्स हैं शार्पनेस है बहुत ज्यादा अच्छी आई है। सो एक्सट्रीम लो लाइट सिचुएशन में यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है नथिंग फोन वन का कैमरा, जो कलर से अच्छे शो नहीं कर पाता है। एंड मेरे हिसाब से नथिंग फोन वन की जो लो लाइट परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा अच्छी है, काफी डिसेंट है प्राइस के हिसाब से। अभी वाली वीडियो मैंने शूट करी है दोनों फोन से 4K 30 FPS पे। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम डार्क था, मतलब कि काफी ज्यादा अंधेरा था, उसके बाद आप देख सकते हैं आईफोन में यहाँ पे कुछ चीजें विजिबल हैं, वही नथिंग फोन वन में यहाँ पे काफी ज्यादा डार्क हो गया है। तो एक्सट्रीम लो लाइट सिचुएशन में आपको वीडियोस में इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को नथिंग फोन वन का कैमरा कैसा लग रहा है इसके प्राइस के हिसाब से, अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। वहीं आपको नथिंग फोन वन में एक नाइट वीडियो मोड मिल जाता है, एंड ये वीडियो को लिमिट कर देता है 1080p पे। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, बट स्टिल यहाँ पे जो आपको एक्सपोजर मिलता है, ब्राइटनेस मिलती है, ओवरऑल जो वीडियो की क्वालिटी है उसमें इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू आईफोन 13। वहीं अगर हम बात करें नाइट टाइम सेल्फीज की, तो ये वाला फोटो मैंने कैप्चर करा है दोनों फोन्स की फ्रंट फ्लैश से। सो यहाँ पे नथिंग फोन वन का जो फोटो है ज्यादा ब्राइट आया है, बट जो कलर्स हैं काफी ज्यादा आर्टिफिशियल हो गए हैं, आईफोन में ऐसा नहीं हुआ है, जो कलर्स हैं नेचुरल हैं। सो एक्सट्रीम लो लाइट सेल्फीज में आपको इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों फोन्स में, बट वही अगर हम बात करें ऐसी सिचुएशन की जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट अवेलेबल है, तो उस सिचुएशन में मुझे यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फोटोज बहुत ज्यादा सिमिलर है, एंड जो सेल्फीज में डिटेल्स हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छी आई है। सो गाइस ये तो हो गया फुल कैमरा कंपैरिजन नथिंग फोन वन का एंड आईफोन 13 का। अब आप लोग को क्या लगता है, आपकी क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वहीं अगर हम बात करें कॉन्क्लूजन की, मेरे ओपिनियन की, तो प्राइस के हिसाब से मुझे नथिंग फोन वन का जो कैमरा है बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, स्पेशली इसका प्राइमरी लेंस। इसके प्राइमरी लेंस में काफी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं, एंड डेफिनेटली आप इसके प्राइमरी लेंस से बहुत ज्यादा अच्छे फोटोज को कैप्चर कर सकते हो, अच्छे वीडियोज को शूट कर सकते हो। बट वहीं अगर हम बात करें इसके अल्ट्रा वाइड लेंस की, तो उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है, जो डिटेल्स आपको अच्छे शो करता है क्योंकि एक 50 मेगापिक्सल का लेंस है। बट यहाँ पे मुझे दो चीजों की कमी लगी, वो है HDR परफॉर्मेंस एंड कलर्स। सो अगर अपडेट के थ्रू इन चीजों को ये फिक्स कर देते हैं, सो उसके बाद आपको यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड लेंस का। एंड वहीं अगर बात करें सेल्फी कैमरा की, तो अगर आप लोग यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में सेल्फी इसको कैप्चर करते हो, तो यहाँ पे अच्छी डिटेल्स आ जाती है, कलर्स भी डिसेंट शो करता है, बट जो स्किन टोन से ज्यादा नेचुरल नहीं है। बट उस चीज में भी यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू आता है एक्सपोजर कंट्रोल में। ऐसा आप लोगों ने यहाँ पे देखा ही, यहाँ पे जो एक्सपोजर कंट्रोल है अच्छा नहीं है, भले अगर हम बात करें फोटोज की या फिर वीडियोज की, तो उस चीज में भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एंड अगर ये सारी चीजें इम्प्रूव हो जाती है, तो यहाँ पे आपको जो कैमरा की परफॉर्मेंस मिलेगी बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी प्राइस के हिसाब से। एंड एज इस ब्रांड का पहला फोन है, उसके हिसाब से भी यहाँ पे आपको जो प्राइमरी लेंस की परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा अच्छी मिली है। स्टिल हम लोग होप करते हैं कि अपडेट्स के थ्रू यहाँ पे इन सब चीजों को फिक्स कर दिया जाए। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। अपने थॉट्स जरूर शेयर करें, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।